two diagonals of a parallelogram are equal, prove that parallelogram is a rectangle. तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? चलो बताओ, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? क्या क्या दिया आपको? इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, और क्या दिया आपको? डायगोनल्स भी क्या है? इक्वल है। तो हमें ये बताना कि जो पैरेललोग्राम है वो क्या हमारा है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा इसके एंगल कितना होना चाहिए, 90। क्या दिखाना होगा? एंगल 90। तो बताओ पहले कौन सा रेक्टेंगल है? हम लोग गिवन लिख लोगे? चलिए बताइए गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है? इन विच क्या दिया आपको? तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड तो इक्वल ही होगा, तो ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, और आपको और भी दिया हुआ क्या? ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल इक्वल है गिवन। ओके, उसके बाद क्या करना है? वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना हमको? हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद प्रूफ करते हैं हम लोग। तो बताओ प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग ए बी सी और बी ए डी ले सकते हैं क्या? कल ये बताए थे अगर डायगोनल दिया हुआ इक्वल है तो डायगोनल से रिलेटेड ही आपको ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल? अब देखो डायगोनल किसमें आ रहा है? ए सी और क्या आ रहा है? बी डी। तो ए सी से ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। एंड ट्रायंगल कौन सा? बी ए डी। तो बी ए डी में क्या आएगा? बी डी आएगा, ठीक है? तो इन ट्रायंगल बी ए डी, वेरी गुड। चलो अब बताओ ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों? कॉमन। ओके वेरी गुड। उसके बाद बताओ हाँ ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी कौन है? ए डी। अच्छा ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने? ए बी सी। तो बी सी है इधर आ जाएगा ना, इधर जाएगा बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या हमारा है? गिवन। अच्छा उसके बाद और क्या दिया हुआ है? हाँ ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी किस कैसे करना है? ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी आपको गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेंट ट्रायंगल बी ए डी बाई एस एस कॉन्गेंसी, ठीक है? तो दिक्कत नहीं ना? अब अगर कॉन्गेंट हो गया तो एंगल बी इक्वल टू क्या सर? एंगल बी इक्वल टू एंगल बाई सी बी सी डी, ठीक है? ओके, लेकिन वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना? 90 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर इसको एंगल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, रीजन लिख सकते हैं को इंटीरियर लिख दिए। ओके, और यहां से देखो यहां से क्या दिख रहा है? तो यहां से क्या बन जाएगा? ट्रू एंगल ये बन जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, नहीं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो एंगल ए इक्वल टू कितना जाएगा? 90 आ जाएगा, बोलो। अगर एंगल ए 90 है तो ए भी कितना? 90। ए भी कितना? 90। और ए भी कितना? 90। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना? 90। ए बी सी डी, हेंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्या प्रूफ सबको समझ में आया? फिर से बता दे, सबको आ गया? चलो इसको आप डायग्राम कर सकते हो। आप प्रियंका समझे? प्रियंका ये समझे कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल है,
तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आएगा 180, क्यों? क्योंकि पैराग्राम के थ्रू ने पढ़ा है कि को इनके एंगल का सम कितना होता है 180। तो वही बात है कि ये और ये पैरेलल है, सिमिलरली बीसी और एडी क्या है, पैरेलल है, तो एबी क्या बन जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, को इंटीरियर, क्या कहलाएगा, को इंटीरियर। तो मैंने लिख दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना 180, इसका सम इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। देखिए एंगल ए जो है किसके बराबर है, बी, या बी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हमने क्या किया, बी को चेंज कर दिया कहाँ से, ए से। तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्या बन जाएगा, टू एंगल ए, टू यहाँ से डिवाइड में, तो एंगल ए का मान कितना जाएगा 90। अगर एंगल ए 90 तो बी भी कितना जाएगा 90, और सी भी कितना 90, और डी भी कितना 90। तो देखो एंगल ए बी सी और एंगल डी कितना 90, इसलिए ए बी सी क्या बन जाएगा, क्लियर। कह रहा है प्रूव द डायग्नोसिस ऑफ ए रोम्बस, आपको दिया हुआ क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस का सब साइड क्या होता है, इक्वल, तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यहाँ खुद ही कह रहा है रोम्बस नहीं, और ये क्या रोम्बस जो डायग्नोस है, तो डायग्नोस कौन सा हो जाएगा, ए सी और बी डी। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है, सॉरी बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब ये जो डायग्नोस है बी डी और ए सी, ये एक दूसरे इंटरसेक्ट करना पे 90। तो अब सिंपल सी बात है, इसको 90 दिखाने के लिए मतलब डी सी ओ डी और बी ओ सी, इसको 90 दिखाने के लिए हमें पर इस दोनों ट्रायंगल का करना होगा, कंगुएंट करना होगा, क्या करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल 90 हमको इसमें और इसमें दिखाना है, तो हमको इसी ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, कौन सा, सी ओ डी और बी ओ सी, इसको क्या हम लोग कंगुएंट कर सकते हैं क्या, कैसे बताओ, पहले हमको इसको प्रूव करना होगा, क्या करना होगा, इसको प्रूव करना होगा, हाँ थोड़ा एक काम करो, तो देखो इसको मान सकते कि ए बी सी डी जो है ये क्या हमारा पैरेललोग्राम है, आपने पढ़ा था रोम्बस के बारे में ना, रोम्बस के बारे में हमने क्या बताया था, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए जिसमें सभी साइड क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ले ए ओ बी और सी ओ डी का, इसको हम लोग कॉन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको कॉमन कर देगा तो ए ओ और ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी आ जाएगा क्या, हाँ बताओ कैसे करेंगे, बताओ प्रूफ लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, हाँ ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ओ डी, बताओ इसमें क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा सी डी, हाँ वेरी गुड, ए बी इक्वल टू सी डी, उसके बाद ए ओ बी, हाँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वेरी गुड, और तीसरा ये एंगल बराबर ये एंगल, क्योंकि पैरेलल है ये, अल्टरनेट इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये जाएगा एंगल कौन सा, बी ए ओ इक्वल टू ओ सी डी होगा, बोलो ना, बी ए ओ और ओ सी डी, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब का रीजन दिया हुआ में, ये भी क्या हमारा कौन सा एंगल, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद हाँ अल्टरनेट, क्या फिर से बता रहा हमको तीनों एंगल के बारे में, समझ गया आप लोग, समझ गया ना, सिंपल सर, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये कौन, ये जो है वर्टिकली ओपोजिट एंगल, और ए बी इक्वल टू सी डी इन पार्टिकल, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ए ओ बी कॉन्गेंट ट्रायंगल कौन सा, सी ओ डी। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, रिमेनिंग पार्ट कौन सा आ जाएगा बताओ, ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो पहला प्रूफ O equal to OC and OB equal to OD. अब इसको हम प्रूव कर दिए, तो क्या आप हम इस तरह ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर सकते हैं, yes, जैसे बताए प्रियंका, क्या COD और BOC को क्या हम कॉन्वर्ट कर सकते हैं, तो अभी जस्ट प्रूव कर दिया ना कि OD equal to क्या हमारा, OB, यहाँ से जस्ट प्रूफ OB equal to OD, OC कॉमन, और तीसरा BC equal to CD, ये भी गिवन,
तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या इस साइड के सामने ये एंगल लेंगे? कौन सा? सी ओ नहीं, सी ओ डी एंगल इक्वल हुआ, 90 ने उसे विस्तृत किए हैं तो सी ओ डी और उसके बाद बी ओ सी, क्या ये आपस में इक्वल होगा? Yes, अब इक्वल होगा तो देखो बी ओ सी, बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम सी ओ डी प्लस बी ओ सी इसका सम कितना? 180। अब 180 अगर हो गया तो उसमें ये दोनों एंगल क्या इक्वल है? Yes, तो इसमें एक एंगल पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? टू एंगल, सपोज टू एंगल आ जाएगा बी ओ सी, टू जाएगा डिवाइड में तो बी ओ सी कितना जाएगा? 90। अब बी ओ सी में 90 हो गया तो सी ओ डी में कितना? करके दिखाइए आप लोग।